हाय गाइस, इस वीडियो में मैं बात करूंगी नीट 2017 के बारे में। सो पहले मैं बता देती हूँ कि नीट है क्या। एक्चुअली नीट का फुल फॉर्म इज नेशनल एलिजिबिलिटी एंड एंट्रेंस टेस्ट। सो ये बेसिकली मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट है जो कि अभी 7 मई 2017 को हुआ है। एंड करीबन 11 लाख बच्चे MBBS MD BDS के लिए बैठते हैं इस एग्ज़ाम में, जो कि 1900 सेंटर्स में हुआ है और 103 सिटीज़ में ऑल ओवर इंडिया में। सो बेसिकली इतनी बड़ी संख्या, इतने बड़े लेवल पे ये एग्ज़ाम होता है। एंड दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट इट कि जो एग्ज़ाम इतने बड़े लेवल पे होता है उसका ब्लंडर इतने ही बड़े लेवल पे हुआ है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट फर्स्ट। बेसिकली आई विल टेल यू वन थिंग, वन फैक्ट अबाउट द रिलेटेड टू दिस वाज लाइक कि 2015 में CBSE ने एक रूल निकाला था, स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड निकाला था। उनका कहना था कि इस स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड से चीटिंग बिल्कुल कम हो जाएगी, बिल्कुल बंद हो जाएगी। स्टूडेंट्स वोंट बी एबल टू डू चीटिंग वाइल फॉलोइंग दिस कोड। चलो ठीक है, अब कोड क्या था? कोड था वेयरिंग लाइट क्लोथ्स विद हाफ स्लीव्स, लो हील शूज विद नो सॉक्स एंड क्लोथ्स विद नो बिग बटन्स और ब्रोचेस। चलो ठीक है, मान लिया कि दिस वॉज डन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द चीटिंग एंड फॉर द स्टूडेंट्स टू मेक इट अ फेयर गेम, अ फेयर एग्जाम फॉर द अदर स्टूडेंट्स। दैट वॉज डन, दैट वॉज यू नो एक्सेप्टेबल। बट गाइज, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो होते हैं वो लोगों के कन्वीनियंस के लिए होते हैं, बट नॉट फॉर मेकिंग देम एम्बेरस। दिस एग्जैक्टली हैपेंड विद दिस नीट 2017 विच टुक प्लेस ऑन 7 मई 2017 इन समवेयर इन तमिलनाडु। आई वॉज रिसेंटली गोइंग थ्रू द न्यूज एंड आई केम टू नो दैट फ्यू स्टूडेंट्स वर फोर्स टू कट देयर शर्ट स्लीव एंड टू लीव देयर फुटवेयर आउटसाइड द एग्जाम हॉल। लिटरली मतलब किसी के अपने बच्चों के शर्ट्स के स्लीव्स कटवाए एंड उनसे बोला गया लाइक दे वोंट बी एबल टू गिव एग्जाम वाइल दे आर वेयरिंग शूज। नॉट ओनली दिस, इवन सम गर्ल्स वर फोर्स टू रिमूव देयर हेयर पिन्स, बैंड्स, ऑर्नामेंट्स लाइक इयर रिंग्स एंड नोज पिन, एज टू कैरी दीज ऑर्नामेंट्स वर अगेंस्ट द रूल। लिटरली मतलब कौन क्या सोच सकता है कि आप इयर रिंग में कोई बंदा चिट्स रख के लेके आएगा, या इयर रिंग में क्या नोज पिन में क्या चिट्स रख के लेके आएंगे। लुक एट द लेवल ऑफ स्टुपिडिटी। अगर आपको इतना ही डर है कि चीटिंग इस हद तक हो सकती है, इस लेवल तक हो सकती है, तो CBSE कमिटी प्लीज इंक्रीज योर सिक्योरिटी रैदर देन पुटिंग स्टूडेंट्स एट सच अ स्टेक। दे आर अबाउट टू गिव देयर एग्जाम विच विल डिसाइड देयर फ्यूचर, रैदर देन यू आर मेकिंग देम मोर एम्बेरस्ड राइट बिफोर द एग्जाम। दिस विल बेसिकली हिंडर और दिस विल बेसिकली अफेक्ट देयर कॉन्फिडेंस लेवल। मतलब यार, वो अपनी लाइफ का एग्जाम लिखने जा रहे हैं, नीट का ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है, पेरेंट्स का इतना प्रेशर होता है, सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है, ऊपर से राइट बिफोर द एग्जाम यू दे पीपल हैव सेड दैट दे वोंट बी अलाउड टू गिव एग्जाम इफ दे आर हैविंग इफ दे आर नॉट इन अ प्रॉपर वे। गाइज, डू यू डाउट योर सिक्योरिटी? लिटरली इफ यू रियली थिंक स्टूडेंट्स कैन गो सच डीप while cheating, just increase your security level rather than making a fizz for the other students. They thought about the other students who are actually giving the exam, जो already prepare होके आ रहे हैं। आप सीधा उनके mind को target कर रहे हो, आप उनके mental level को पूरा demoralize कर रहे हो। Confidence वहीं पर चला जाता है अगर आपकी इतनी सारी चीज़ें होती हैं। एक तो बच्चा already tension में होता है कि exam क्या होगा, कैसे होगा, he is already in his own tension, and उसके बाद you just stop them at right before the exam that they are not allowed to give the exam just because they are wearing or they are having such things. Literally guys. एंड हाइट्स तो तब हुई जब एक लड़की से बोला गया कि दैट शी वॉन्ट बी अलाउड टू गिव द एग्जाम वाइल शी इज़ वेयरिंग दैट जीन्स, बिकॉज उस जीन्स में उसके पॉकेट्स थे एंड जीन्स में मेटल बटन्स थे विच वर सपोज टू बी रिमूव्ड। फाइन इफ यू थॉट दैट दोज बटन्स और दोज पॉकेट्स विल बी अ मोड फॉर चीटिंग, देन यू जस्ट हैड टू चेक देम आउट। चेक कर लेते, अच्छी तरह से रिसर्च कर लेते, अच्छी तरह से चेकिंग कर लेते, एंड यू कुड हैव अलाउड दैट गर्ल टू सिट फॉर द एग्जाम रादर देन मेकिंग हर रिमूव दैट दोज पैंट्स राइट बिफोर द एग्जाम। थिंक अबाउट द स्टूडेंट्स जो बहुत दूर से ट्रैवल करके आए हैं, उसके बाद रिपोर्टिंग टाइम से एक घंटा पहले आप उनसे बोल रहे हो कि दे आर नॉट अलाउड टू गिव एग्जाम राइट जस्ट बिकॉज दे आर वेयरिंग जीन्स। ओके, अगर मैं डूज एंड डोंट्स की बात करूँ तो बिग बटन ब्रोचेज एंड हाई हील शूज अलाउड नहीं थे फीमेल्स के लिए, एंड वहीं कुर्ता पजामास फॉर बॉयज। एंड अगर मैं डूज की बात करूँ तो ब्रिंगिंग एडमिट कार्ड, रीचिंग ऑन टाइम विद योर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वर द डूज विच दे हैव टू फॉलो। आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस, however, asking girls to take off their inner wears, forcing boys to cut off their sleeves, etc., meant taking the security measures to a new and unacceptable level. Like, ये तो बहुत ही ज़्यादा heights हो गई अगर आप किसी को exam देने से पहले बोल रहे हो कि these students, these the
the clothes you are wearing are not allowed, you have to remove them. मतलब already students के दिमाग में exam का pressure होता है. NEET is a very big exam while giving for the medical students, medical line, medical field. It is a very big exam, big thing for a students who are appearing for this exam. Ask them the stress, the tension they'll be having right before the exam. And उसके बाद you are putting out another thing that they won't be allowed to give the exam while they are wearing such things. This is so stupidity. Think about it, guys. Think about the CBSE committee. Go through this. Like, is it really necessary? And most disgusting thing was, after all that event, that none of the official, none of the CBSE official was able to answer anything on this event. मतलब वो face ही नहीं कर पा रहे थे, वो बोल ही नहीं पा रहे थे इस event के बारे में related. At least take a stand and answer to this stupid thing which took place somewhere in Tamil Nadu. This shameful event will become an unforgettable, embarrassing moment for the students who have been a victim of this. We literally hope to see some actions being taken against these officials soon. Thank you, guys.